ऋषभ पंत की 89 रनों की नाबाद पारी देखकर ब्रिस्बेन टेस्ट में हर कोई हैरान रह गया। ऋषभ पंत ना सिर्फ ब्रिस्बेन टेस्ट के हीरो बने बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी निजी उपलब्धि भी हासिल की। पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में दरअसल 1000 रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। इस मामले में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को पीछे छोड़ा। ऋषभ पंत ने अपने 16वें टेस्ट की 27वीं पारी में 1000 रन पूरे करने का कारनामा किया। धोनी ने 20वें टेस्ट की 32वीं पारी में उपलब्धि अपने नाम की। धोनी ने अगस्त 2007 में इंग्लैंड के ओवल में खेले गए टेस्ट मैच में अपने 1000 रन पूरे किए थे। इस सूची में तीसरे नंबर पर दिग्गज भारतीय विकेटकीपर फारूक इंजीनियर हैं। फारूक इंजीनियर ने 36 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे। ओवरऑल बात करें तो सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के नाम। क्विंटन डिकॉक ने महज 21 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। इस मामले में भारत का कोई भी विकेटकीपर शीर्ष पांच में नहीं है। पंत के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 50 शिकार करने का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 22वीं पारी में विकेट के पीछे 50 शिकार पूरे कर लिए थे। पंत ने ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें दिन भारत की दूसरी पारी के दौरान ये उपलब्धि अपने नाम की। वो दूसरी पारी में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने पैट कमिंस की गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता खोला और ये रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। ब्रिस्बेन टेस्ट में शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा। वो शुभमन चौथी पारी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बने। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ओपनर सुनील गावस्कर का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन की उम्र 21 साल और 133 दिन है। गावस्कर ने 21 साल और 243 दिन में ही उपलब्धि हासिल की थी। सुनील गावस्कर ने 1970 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ा था। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।